ओके सो विल स्टार्ट दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड इवनिंग। और सेशन को शुरू करते हैं हमारे पहले ऑनलाइन ऑडिशंस के टॉपिक के साथ। अभी रिसेंटली हमने एक ऑडिशन डिक्लेयर किया है, उसको लगभग 15 दिन हो चुके हैं और अच्छा रिस्पांस है। लगभग 550 से ज़्यादा लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है इस ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए, और काफ़ी सारे मेल्स आ रहे हैं, गाने जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं घर पे। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, वो मैं थोड़ा आपको क्लियर अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो ऑनलाइन ऑडिशन है ये थोड़ा हटके है, इसमें हमने आपको गाने दिए हैं, 10 10 गाने दिए हैं। किशोर दा के 10 गाने हैं, रफ़ी साहब के 10 गाने हैं, मुकेश जी के 10 गाने हैं, और लता दाई आशा दाई के भी 10 10 गाने आपको दिए गए हैं। और आपको उसी में से कोई गाने रिकॉर्ड करने हैं अलोंग विद द कैराओके ट्रैक। और उसके पहले आपको ये जो हमारा वी रॉक मुंबई थिएटर्स का जो प्रोजेक्ट है उसका छोटा सा अनाउंसमेंट आपको करना है, देन यू विल स्टार्ट सिंगिंग। तो जबकि उसमें अनाउंसमेंट है गाने के पहले, आप शायद स्टार मेकर या स्म्यूल जैसे ऐप पे उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसे आप प्लेन रिकॉर्डिंग कीजिए कैराओके ट्रैक में, प्रॉपर एक फ्रंट कैमरा लगाकर। और आपको ये सारे वीडियोस जो है वो हमें मेल करने हैं, व्हाट्सएप नहीं करने हैं। तो हमारा मेल आईडी भी हमने उस पीडीएफ में दिया है, तो जिनके पास वो पीडीएफ नहीं है वो प्लीज़ हमें टेक्स्ट करें। मैं व्हाट्सएप नंबर एक बार यहाँ टेक्स्ट कर रहा हूँ, 9029872613, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इसमें फिर एक बार आपको ये पीडीएफ हम भेजेंगे जिसमें उसके सारे टर्म्स है और गानों की लिस्ट है। तो अक्सर ये देखा गया है कि ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं या जो भी ऑफलाइन भी ऑडिशंस होते हैं, तो ज़्यादातर सिंगर जो उनके जो गाने रेडी हैं, सेट हैं गाने, वही गाते हैं, तो कुछ थ्रिल नहीं होता है उसमें। इसके लिए हमने थोड़ा सा हटके कलेक्शन यहाँ पे लोगों को बुलाया कि इसमें से आपको गाने चूज करके ही परफॉर्म करने हैं, तो जिसमें थोड़ी हरकतें हैं, थोड़ी मुर्कियाँ हैं, और जो थोड़ा बहुत एक जो कोई भी एक एवरेज सिंगर है या राइजिंग सिंगर है जो इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है उसकी गायकी कहीं पर तो दिखे, उसी को ध्यान में रखे। बहुत ज़्यादा भी टफ सॉन्ग्स उस लिस्ट में नहीं है, तो इस तरह से आपको उसको करना है। और भी इंट्रीज आ रही है, 31 मई तक का टाइम हमने आपको दिया है ऑलरेडी। 31 मई तक आप आपके वीडियोस भेज सकते हैं। गाने का कोई लिमिट नहीं है, आप पूरे गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है और आपके पास टाइम भी है तो आप पूरे गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कितने भी गाने आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, उसके लिए कोई हमने लिमिट रखा नहीं है। ये ऑडिशन ओपन टू ऑल है और सबसे इम्पोर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी ज़्यादातर जो ऑनलाइन ऑडिशंस हो रही है मीडिया में वो उसमें नॉमिनल फीस वगैरह है, बट हमने ऐसा फीस वगैरह इसके लिए नहीं रखा है। और उसमें से जो सिलेक्टेड परफॉर्मेंसेस है वो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड कर रहे हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा है सिंगर सुनील वाडकर इस नाम से। और इसी महीने में इसके 1000 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस किए हैं, तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और ये हुआ ऑडिशन के बारे में। उसके बाद एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जिसमें आप लोगों को जो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, जैसे हम लोग नवी मुंबई में हैं, तो मुंबई के काफ़ी लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हमारे नवी मुंबई में जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एवरी वेनसडे, फ्राइडे और संडे, लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उन्होंने डिमांड की है कि आप ऑनलाइन सेशंस कीजिए मीडिया में। तो उसकी शुरुआत हम लोग 1 जून से करने जा रहे हैं। 1 जून से आरएफसीएम के ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो जिनको भी रजिस्टर करना है आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या मुझे आप मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी मैं आपको यहाँ एक बार टेक्स्ट करके दे रहा हूँ।
सुनील वाडकर 76 एट द रेट ऑफ gmail.com। तो 1 जून के पहले कुछ हम लोग ट्रायल सेशंस करेंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। तो किस तरह का ट्रेनिंग होगा, किस तरह का गिव एंड टेक होगा, क्या गाइडलाइन मिलेगी, उसका थोड़ा डिटेल में आपको पता चलेगा। तो ये फ्री सेशंस के लिए आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं 9029872613 पे। हाय प्रशांत, और किसी को अगर बात करनी है अभी यहाँ तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल सब कर सकते हैं 9221383458 पे। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ऑनलाइन ऑडिशंस के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ऑनलाइन ऑडिशंस जो हमारी चल रही है उसका 31 मई लास्ट डेट है, और आपको PDF द्वारा एक लिस्ट दी गई है जिसमें हमारे जो लीजेंड्स है 5 सिंगर्स, किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता और आशा ताई, इनके 10 10 गाने आपको लिस्ट में दिए गए हैं। उसमें से ही आपको गाने गाने हैं, गाने का कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ सॉन्ग्स भी कोई उसका भी लिमिट नहीं है। आप कितने भी गाने भेज सकते हैं, पूरे के पूरे गाने रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक छोटा अनाउंसमेंट जो है हमारे प्रोजेक्ट का, उसको वहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके फिर बाद में आपको गाना गाना है। और स्ट्रिक्टली ये सारे वीडियोस आपको मेल पे ही देने हैं, ईमेल आईडी उस PDF में मेंशनड है। और ये एब्सोल्युटली फ्री है और ओपन टू ऑल एज ग्रुप्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑनलाइन ऑडिशंस के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने जा रही है 1 जून 2020 से, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग का जो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि बिसाइड सिंगिंग, हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कमर्शियल मार्केट को नज़र में रखते हुए लोगों को गाइड करते हैं। तो आप 2 3 ट्रायल सेशंस इसके बीच होंगे 1 जून के पहले, तो वो आप ज्वाइन कीजिए, वो आपको डिक्लेयर किए जाएंगे। आप जैसे आपका नंबर हमें इन्फॉर्म करते हैं, आपको जूम ऐप के द्वारा जो मीटिंग्स या सेशंस होंगे उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा। और तीसरी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, काफ़ी लोग हमें फ़ोन करके बोल रहे कि सर ये कैसे होगा, अभी आने वाले टाइम में कैसे इवेंट चलेंगे और किस तरह से प्रिपरेशन करना है, और ये जो जैसे लॉकडाउन पीरियड में हम घर बैठे हैं तो कैसे तैयारी करनी है, तो ये सेशन में वो चीज़ भी हम कवर करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो लॉकडाउन पीरियड है, मतलब अभी जो जो इस फील्ड के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी अगर माने तो कम से कम आने वाले 6 8 10 महीना, शायद साल भर तक कोई भी गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्लियर है कि किसी भी तरह का ऑडिशंस या किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन्स या शोज जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी, ऐसा कोई भी इवेंट होना डिफिकल्ट लगता है आने वाले। हम लोग 1 साल पकड़ के चलते हैं क्योंकि अभी वैसे भी रेनी सीजन स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। तो इस 1 साल में आप क्या कर सकते हो उसको लेकर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो राइजिंग सिंगर्स है, तो एक्सक्लूसिव ये RFCM ग्रुप है, ये पिछले 7 साल से राइजिंग सिंगर्स के लिए काम कर रहा है और ये टाइम टेस्टेड है। और पिछले 7 साल में हम लोगों ने मुंबई के 10 मॉल्स और 7 थिएटर्स में काम किया है, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, नियर अबाउट 700+ इवेंट्स हमारे नाम पे हैं, जिसमें कराओ के इवेंट्स भी हैं, लाइव ऑर्केस्ट्रास भी हैं, थिएटर्स के भी इवेंट्स हैं, और काफ़ी अच्छा एक डेटाबेस है, मोर देन 4,000 सिंगर का डेटाबेस है जिनको हमने ऑलरेडी स्टेज ऑफर किया है, छोटे छोटे स्टेजेस, छोटे छोटे इवेंट्स के माध्यम से। और आप हमारी सारी प्रोफाइल जो है वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप टाइप कीजिए सिंगर सुनील वाडकर, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। उसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हैं, मेरे जो फेसबुक का पेज है दैट इज सिंगर सुनील वाडकर, या मैं एक बार टेक्स्ट कर रहा हूँ सिंगर ये है फेसबुक पे। तो इसके एल्बम्स में अगर आप जाते हैं तो एल्बम्स में आपको हमारी सारी चीज़ें पता चलेगी। हाय रिचा, गुड इवनिंग। तो जो एक्टिविटी पिछले 7 साल से चल रही है वो सारी आपको वहाँ अपडेट की हुई मिलेंगी, उसको आप देख लीजिए।
और फिर ये जो पूरा डेटाबेस है पिछले 7 साल का, उसको एक एरिया वाइज या जोन जोन वाइज उसे हमें शॉर्टलिस्ट करना है। उसके लिए हमने फेसबुक पे अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। जैसे मुंबई का जो जोन है उसको हमने 7 एरिया में डिवाइड किया है, जिसमें नवी मुंबई है, ठाणे है, पनवेल है, कल्याण है, दादर है, अंधेरी है और बोरिवली है। तो आपको ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वी रॉक मुंबई थिएटर्स का, तो उसमें अगर आपको आना है, आपको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, तो आप हमें वो जो रिस्पेक्टिव आपका एरिया के हिसाब से फेसबुक पे आप हमें रिक्वेस्ट दीजिए। उसके भी डिटेल्स आपको मेरे प्रोफाइल में मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर आप डोंबिवली साइड में रहते हैं तो हमारा कल्याण डोंबिवली का एक ग्रुप है, RFCM कल्याण, आप डालेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप दादर साइड में रहते हैं तो आपको RFCM दादर डालेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। तो इस तरह से मुंबई के 7 जोन के 7 थिएटर्स के लिए हमने ये 7 ग्रुप्स अलग बनाए हैं। और अभी परसों हमने और एक ग्रुप क्रिएट किया है ऑन डिमांड, पुणे का एक ग्रुप हमने क्रिएट किया है, RFCM पुणे आप टाइप करते हैं फेसबुक पे तो आपको पुणे का भी ग्रुप मिलेगा। तो हमारा फोकस ये है कि जितने भी कैरियर ओरिएंटेड सिंगर्स हैं और जो थिएटर्स लेवल डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर हमने ये वी रॉक मुंबई थिएटर्स का प्रोजेक्ट बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जम के प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे अच्छे सिंगर्स आपके एरिया में दिखते हैं, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में, ये ना आपके घर पे भी अगर होंगे तो उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर ये जितने भी राइजिंग सिंगर्स खुल के आते हैं मार्केट में, वो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स और ऑडिशन्स बस उसमें ही अपना काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट करते हैं। बट एक थिएटर का एक अच्छा लेवल है जहाँ पे नए सिंगर्स नहीं पहुँच पाते हैं। और ये चीज़ आप लोग भी एग्री करोगे कि थिएटर लेवल पे राइजिंग सिंगर्स को बहुत कम मौके मिलते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो डिजर्व करते हैं, जो अच्छा गा रहे हैं, उनको थिएटर लेवल पे हम ले जाए, थिएटर लेवल्स के जो सिंगर्स हैं उनके साथ उनको खड़ा किया जाए। तो आप लोग इसे जम के प्रमोट कीजिए। अभी वी रॉक मुंबई थिएटर्स ये जो प्रोजेक्ट है, तो हमारी जो ट्रेनिंग अभी चालू होगी ऑनलाइन ट्रेनिंग 1 जून से, उसमें हम लोग यही फोकस करेंगे कि जितने भी राइजिंग सिंगर्स हैं उनको थिएटर लेवल के हिसाब से या थिएटर में परफॉर्मेंस करने के हिसाब से, या आप उसको बोलिए टिकट शोज, जहाँ पे एक दर्दी ऑडियंस आती है उनके सामने परफॉर्मेंस देने के लिए क्या तैयारी, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, वो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा ऑनलाइन सेशंस में। तो उसके ट्रायल सेशंस आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमें टेक्स्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको हमारा जो फ्री सेशंस होंगे जूम पे उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे। तो अभी आप छुट्टियों में क्या कर सकते हैं, जो राइजिंग सिंगर्स मुझे देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने ना 1 साल तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई कॉम्पिटिशन्स ऑडिशन्स या शोज करने मिलेंगे। क्योंकि और जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं इस फील्ड के, वो बोल रहे हैं कि कम से कम 6-8 महीने तो कोई भी इवेंट्स मार्केट में नहीं होंगे। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है कि आप खुद को तैयार कीजिए आने वाले 6-8-10 महीने, या साल भर पकड़िए, 1 साल आप इतना जम के प्रैक्टिस कीजिए कि आप 1 साल के बाद जब आप मार्केट में जाओ, किसी कंपटीशन में जाओ, किसी शो में जाओ, तो जम के आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, एक ज़बरदस्त वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 साल आप पूरा एक कोर्स के हिसाब से इसको लीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, एक टारगेट बनाइए कि दिन में आप कितने गाने सेट करोगे, कम से कम 2 गाने 3 गाने 4 गाने आपके दिन में अगर सेट होते हैं तो पूरे साल भर में कम से कम आपके पास 900 से 1200 गानों का स्टॉक क्रिएट हो सकता है। ज़्यादातर राइजिंग सिंगर्स के पास स्टॉक नहीं होता, और स्टॉक नहीं होने के कारण वो छोटे छोटे इवेंट्स या पार्टी शोज नहीं कर पाते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स में तो अक्सर आपको पता है कि लोग वही वही गाने गाते हैं, ज्यादातर गाने तो कॉमन होते हैं। तो ये 1 साल आप टारगेट कीजिए कि दिन में 2-3 गाने 4 गाने मैं सेट करूं, साल भर के आखिर तक मेरे पास कम से कम 1000 गाने का स्टॉक हो। और वो स्टॉक भी कैसा हो, वर्सेटाइल स्टॉक हो, आपके पास पुराने गानों का भी स्टॉक हो, आपके पास नए गानों का भी स्टॉक हो, आपके पास ड्यूएट्स भी हो, आपके पास पेट्रियोटिक भी हो, आपके पास कुछ है ना भक्ति गीत भी हो, ऐसे इस तरह का पूरा मिक्सचर आपको एक क्रिएट करना है पूरे साल भर में। और जैसे अलग अलग पार्टी इवेंट्स होते हैं, अलग अलग ओकेजन्स होते हैं, कभी बर्थडे पार्टी होती है, कभी गणपति फेस्टिवल के शोज होते हैं, कभी एनिवर्सरी शोज होते हैं, मैरिज फंक्शंस होते हैं,
ये सारे अलग अलग फंक्शंस में, ओकेजन्स में अलग अलग गानों की जरूरत होती है, अलग एक स्टॉक आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह का एक प्रॉपर सिलेबस बना के आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये वही चीज़ होती है आपको कमर्शियल मार्केट में आने के लिए, आपकी तैयारी। एक बार आपकी तैयारी हो रहती है, आपके पास सफिशेंट गाने और एक अच्छी गायकी होती है, स्टॉक होता है, और जिसके हम शॉर्ट एंड स्वीट में बोलेंगे क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप ये पूरे साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे होममेड वीडियोस बनाइए। अगर आप ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते हो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग, तो घर में ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए, उसे ज़्यादातर मीडिया में आप प्रमोट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो किसी के क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट से गुजरे हुए वीडियोस हो। अभी तो काफ़ी लोग फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं, बट आपको पता है कि उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। तो जिसे गाने का पता हो, ऐसे कुछ लोग आपके साथ जुड़े होंगे या आप इनको जानते हो, उनकी थोड़ा उनकी आप हेल्प लीजिए। कोई भी रिकॉर्डिंग करते हो तो उसकी जो क्वालिटी आप टेस्ट कीजिए, और उसके बाद ही उसको मीडिया में डालिए, ताकि ये साल भर में आपका जो प्रमोशन होगा वो इसी वीडियो के माध्यम से होगा कि आप किस तरह से गा रहे हो, किस तरह से गाने को प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद ये साल पूरे साल आप क्या कर सकते हो कि अपने कॉन्टैक्ट्स आप बिल्ड कीजिए। जैसे ज़्यादातर नए सिंगर्स को हम देखते हैं, गाने तो गा लेते हैं, गाने बहुत अच्छे गाते हैं, बट उनके पास कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती कि कैसे हम मार्केट को अप्रोच करें, कैसे हम लोगों तक तो पहुंचे। तो ये पूरा एक साल जो अभी आपको मिलेगा लॉकडाउन का, जब तक सारी चीज़ें सेटल नहीं हो जाती है, आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कीजिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के कॉन्टैक्ट निकालिए, अलग अलग इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हो, रिजॉर्ट्स हो, क्लब्स हो, है ना, कॉरपोरेट सेगमेंट है, जहाँ जहाँ इवेंट्स होते हैं, है ना, अलग अलग ट्रस्ट अलग अलग है, तो ऐसे लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कीजिए। अपने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए, यूट्यूब का एक प्रॉपर चैनल बनाइए, उसको आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि प्रमोशन एक ऐसा एक आपके पास एक जरिया है कि जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुंच सकते हैं। बट टर्म इसमें एक ही शर्त है कि आपका गाने का लेवल जो है, आपकी गायकी है, वो अच्छी होनी चाहिए। हम मानते हैं कि जैसे नए सिंगर है तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो परफॉर्मेंस दे नहीं सकता है, बट आप कोशिश कीजिए कि कम से कम एज अ राइजिंग सिंगर वो आपका परफॉर्मेंस के जितने भी वीडियोस हैं वो कम से कम एवरेज हो, एवरेज एंड अबो हो, उतना आपको कोशिश करना है। अगर वो एवरेज के नीचे है तो प्लीज़ आप खुद के वीडियोस मीडिया में मत डालिए, उससे आपका मार्केट में या मीडिया में एक अलग इम्प्रेशन क्रिएट होता है। तो जितने भी प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं राइजिंग सिंगर में से, वो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए, आप जब भी मीडिया में कुछ भी चीज़ें डालते हैं तो उसमें क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो राइजिंग सिंगर्स को जैसे मैंने बताया, एक साल भर अभी कोई भी इवेंट्स होने का चांस बहुत कम है, कम से कम एक साल। तो ये एक साल में आपको जम के प्रैक्टिस करना है, आपको स्टॉक के ऊपर काम करना है, मैंने आपको क्वांटिटी, फिर उसके बाद क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। जितने भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं वो आपको करनी है, आपको अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाना है, अलग अलग ओकेजन्स, पार्टीज, जो भी जितने भी अलग अलग फंक्शंस में हम लोग गाते हैं उसको स्टडी करके उस हिसाब से आपको स्टॉक को डेवलप करना है। आपके पास नए गानों का स्टॉक होना चाहिए, पुराने गानों का स्टॉक होना चाहिए, आपके पास ड्यूएट्स होने चाहिए, आपके पास भक्ति गीत होने चाहिए, आपके पास कुछ गजल्स होनी चाहिए, ऐसे अलग अलग स्टॉक आपको डेवलप करना है। अभी ये पूरे एक साल में, जैसे आप लोग देख रहे हो मीडिया में ज़्यादातर लोग खुल के आ रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन ऑडिशन है, यहाँ पे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स है, और फिर लोग भागे भागे वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे कभी फीस होती है, कभी फीस नहीं होती है, जैसे भी है। लेकिन मैं यहाँ सारे राइजिंग सिंगर को यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जिसी भी ग्रुप के साथ आप जुड़ रहे हो, जिसके साथ भी आप एसोसिएट हो रहे हो, प्लीज़ उनका आप प्रोफाइल चेक कीजिए, उनका काम करने का स्टाइल को आप समझिए, उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स है उनके साथ आप बात कीजिए, क्योंकि हमारे पास पिछले 7 साल में ऐसे भी कंप्लेंट्स आई है कि हमने यहाँ पैसे भरे, फिर वो कॉम्पिटिशन्स कैंसिल हुई, या जैसे कमिटमेंट था वैसे नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि राइजिंग सिंगर्स हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कहीं पर भी मौका मिलता है तो वहाँ जम जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, जाइए, बेशक जाइए, आपके लिए सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में ओपन है। बट हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जिधर भी जाएंगे, जिस भी ऑर्गेनाइजर या जिस भी ग्रुप से आप एसोसिएट होना चाहते हैं,
उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, उन्होंने पिछले टाइम में क्या किया है, आगे क्या करने जा रहे हैं, उनका विजन क्या है वो ग्रुप चलाने का, उसको आप स्टडी कीजिए, उसके बाद या आप उनके साथ एसोसिएट हो जाइए। एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीइंग वन ऑफ द स्ट्रगलर, मतलब मैं सुनील वाडकर, ये सारी जो मार्केट की कंडीशंस हैं उसको हम पिछले 7 साल से बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राइजिंग सिंगर्स तक पहुँचे, उनको पता चले कि मार्केट की कंडीशंस क्या है। सिर्फ आपकी गाय की अच्छी होने से आपको मार्केट पे काम मिलेगा, ये पहले तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत ही मार्केट टफ है, यहाँ पे काफ़ी मोनोपोली चलती है। थिएटर्स लेवल की अगर आप बात करेंगे तो थिएटर्स लेवल पे बहुत ही गिने चुने सिंगर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ना कि मुंबई में, बट ऑल इंडिया का रिपोर्ट यही है कि थिएटर लेवल पे बहुत ही गिने चुने सिंगर्स गाते हैं और नए सिंगर्स को बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता है। बहुत ही रेयर केस में कोई सिंगर निकल के थिएटर्स में आता है, जो कि एक जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है। मुंबई की अगर आप बात करेंगे तो मुंबई में प्राइवेट थिएटर्स और जो कॉरपोरेशन के थिएटर्स है वो नियर अबाउट 50 से ज्यादा थिएटर्स है। अगर अच्छे अच्छे 20-22 थिएटर्स भी हम लोग अगर निकालते हैं तो 20-22 थिएटर्स हमारे लिए कॉरपोरेशन ने या हमारे जो भी अथॉरिटीज है, सरकार है, उन्होंने बना के रखे हैं हमको टैलेंट हमारा दिखाने के लिए जमाने को। बट सही में हमको वो प्लेटफॉर्म मिल पाता है क्या, वो क्वेश्चन मार्क है। तो वो ये प्लेटफॉर्म हम ग्रीप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के दुख होता है कि जितने भी राइजिंग सिंगर्स हैं वो हमें हमेशा बोलते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है थिएटर्स का, ये तो ओपन है, वहां पे कोई आपको नहीं पूछता कि आप कैसे गा रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ये मुंबई के थिएटर्स में पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता है, आपको आपको क्रीज पे जाने का मौका ही नहीं मिलता है, तो आप चौके छक्के लगा ही नहीं सकते हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है वी रॉक मुंबई थिएटर्स का, ये एक्सक्लूसिवली हमने ये पूरा मार्केट को स्टडी करके बनाया है, और उसके लिए मुंबई के 7 जोन में 7 थिएटर्स का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट फेज में, और आने वाले टाइम में और भी थिएटर्स हम लोग ऐड करेंगे। तो अलग अलग जो ग्रुप्स बने हैं फेसबुक पे, उसे आप ज्वाइन कीजिए। शर्त एक है वो ग्रुप ज्वाइन करने की, कि आपको वहाँ पे कोई भी रेसिडेंस प्रूफ देना है, आप कुछ भी दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए, आपका जो भी और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उसका एक फोटो आप निकाल के मुझे मैसेंजर में डालिए। ये जो एक्सक्लूसिव ग्रुप बनेंगे वीरॉक मुंबई थिएटर्स के लिए, ये हम चाहते हैं कि जो सही में लोकल रेसिडेंट्स हैं, लोकल जो रेसिडेंट सिंगर्स हैं या दूसरे आर्टिस्ट हैं स्टेज रिलेटेड, वो सारे ये ग्रुप में शामिल हो जाए। अगर ये इसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल अगर हम लोग नहीं रखते, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रखते हैं, तो फिर एक बार क्या होएगा, रैंडम रिक्वेस्ट आएंगी ऑल इंडिया से, और फिर वो नवी मुंबई के ग्रुप में दूसरे लोग भी आ जाएंगे, बोरिवली के ग्रुप में दूसरे लोग भी आ जाएंगे, दादर के ग्रुप में, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो ये 7 जो ग्रुप हमने बनाए हैं वीरॉक मुंबई थिएटर्स के लिए, उसमें आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना बहुत जरूरी है। अभी ये रेसिडेंशियल प्रूफ हम लोग क्यों मांग रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या होगा, जैसे ये 7 जोन में 7 थिएटर्स में जब शो अनाउंस होंगे, तो हमें ये पता रहेगा कि ये 7 जोन के 7 थिएटर्स के इर्द गिर्द हमारे मैन पावर क्या है, कितने सिंगर्स उस ग्रुप में है, कितने फैन फॉलोइंग, कितने म्यूजिक लवर्स उस ग्रुप में है, इसका पूरा आइडिया हमें रहेगा, तो हमें शो प्लान करने में आसानी होगी, और फिर जो स्थानिक जो सिंगर्स हैं, जो लोकल सिंगर्स हैं, उनको ज्यादा मौका मिलेगा। क्योंकि हमें अगर पता है कि बोरीवली में शो अनाउंस हुआ है और बोरीवली में जो शो अनाउंस हो रहा है उसको ऑडिशन में ही 100 सिंगर सिर्फ बोरीवली से आ रहे हैं, तो हमें बाहर के सिंगर को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, हम बोरीवली के 100 सिंगर में ही ऑडिशन लेंगे और उसमें से 8-10 लोग अच्छे सिंगर चुन के हम बोरीवली का शो करेंगे, तो ये बेनिफिट उनको मिल सकता है। और उसके बाद जब सिंगर्स भी लोकल है और थिएटर भी लोकल है, तो डेफिनेटली उनकी मदद से हम अच्छा फैन फॉलोइंग, अच्छा एक ऑडियंस वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं वीरॉक मुंबई थिएटर्स प्रोजेक्ट के। तो जहां पर भी ये हमारा जो लोगो दिखता है RFCM योर राइट टू सिंग, ये लोगो आप ध्यान में रखिए, इस तरह के इवेंट्स आपको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में कहीं पर भी दिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये नए लोगों का शो है, और वहाँ पे लेकिन क्वालिटी जो है हमने पिछले 7 साल से मेंटेन की है। थिएटर्स में हम लोग बहुत चुन चुन के ही सिंगर्स सिलेक्ट करके वहाँ प्रमोट करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो डिजर्विंग टैलेंट है वही स्टेज के ऊपर आए। तो इसे आप जम के प्रमोट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जितने भी राइजिंग सिंगर्स हैं, अच्छे अच्छे किशोर वॉइस, अच्छे अच्छे रफ़ी सब वॉइस जो ऑलरेडी घर में बैठी है, अच्छे अच्छे लोग, और जो आज नए नए थीम्स भी हम लोग थिएटर्स में कर सकते हैं, तो यंगस्टर्स को भी हम ज़्यादा
थिएटर्स में इनवाइट कर सकते हैं, तो बट वो बिना ऑडियंस की मदद से मदद की नहीं हो सकता है। तो आप इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट कीजिए, और जो मुंबई के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाया है और पुणे के लिए अलग ग्रुप बनाया है। तो मैं एक बार आपको मैं रिचा प्लीज़ यहाँ पे अगर आप टैक्स कर सकते हो सारे लिंक तो प्लीज़ कीजिए। तो मुंबई के 7 जोन जो है वो इस तरह से है: RFCM नवी मुंबई, RFCM पनवेल, RFCM ठाणे, RFCM कल्याण, RFCM दादर, RFCM अंधेरी और RFCM बोरेली। और कल हमने अनाउंस किया है RFCM पुणे का ग्रुप, और पुणे और मुंबई छोड़ के जितने भी लोग रहेंगे वो हमारे RFCM इंडिया के ग्रुप में आप रहिए। आने वाले टाइम में हमारी कोशिश रहेगी कि जो मुंबई के बाहर के लोग हैं उन्हें भी मुंबई के थिएटर्स में इनवाइट किया जाए। तो जैसे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट होता है और ये पूरा लॉकडाउन खत्म होता है, प्रॉपर एक रूटीन में हम लोग आ जाते हैं और इवेंट स्टार्ट होते हैं सारे एंगल से, तो इसके साथ ये प्रोजेक्ट को हम अंजाम देंगे। तो ये एक छोटा सेशन सिर्फ मैंने आधे घंटे के लिए अनाउंस किया था, तो मुझे लगता है मेरी जो मुझे जो कहना था मैंने यहाँ कह दिया है। मैं इस वीडियो को अभी मैं लिंक के रूप में प्रमोट भी किए देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिंगर्स तक ये जाए। तो मैं ये सेशन अभी यहाँ एंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी हियर, और सबको फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा कि आप घर पे रहिए, ज़्यादा भीड़ में मत जाइए जब तक पूरी सोसाइटी का माहौल ठीक नहीं होता है। अवॉइड कीजिए घर से जाना, या इमरजेंसी में जाते भी है तो भीड़ से थोड़ा सा हटके रहिए। और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9221383458 पे, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9029872613। आप फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सिंगर सुनील वाडकर आपको फेसबुक पे टाइप करना है। यूट्यूब का चैनल मेरा है सिंगर सुनील वाडकर के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे। और फिर एक बार वो सारे ग्रुप्स में अनाउंस कर रहा हूँ जो नए सिंगर्स के लिए बनाए गए हैं वी रॉक मुंबई थिएटर्स प्रोजेक्ट के लिए है। तो वी रॉक मुंबई थिएटर्स आप टाइप कीजिए या फिर RFCM टाइप कीजिए, फिर अपना लोकेशन वाइज आप जहाँ पर भी रहते हैं उसको आप टाइप कीजिए: नवी मुंबई, और उसके बाद ठाणे, पनवेल, कल्याण, दादर, अंधेरी, बोरीवली, पुणे। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं इस ये एरिया से, ये एरिया के बाहर के, वो सारे इंडिया के ग्रुप में आइए। मतलब आपको टैप टाइप करेंगे RFCM इंडिया या वी रॉक मुंबई थिएटर्स इंडिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।